वेजेस और 5 शॉर्ट ब्रेड कुकी और ये पूरा पैकेट जाएगा, 8 ounces का पैकेट है ये। ठीक है, ये हो गया। चल लूर पाक मैंने लिया है सॉल्टेड बटर 8 ounces। देखिए सॉफ्टेंड है, अच्छी तरह से आपको इसको बीट करना है। क्वार्टर कप ग्रैनुलेटेड शुगर, दैट इट्स अ बारीक वाली चीज। क्वार्टर कप शॉर्ट ब्रेड कुकीज हमेशा थोड़े से बहुत ओवर मीठे नहीं होते। वेनिला एसेंस 1 teaspoon। मैं इसमें शामिल करूंगी पहले 1 cup मैदा, फिर मुझे अगर लगेगा मुझे ज़रूरत है तो मैं उसमें और मज़ीद डालूँगी। उससे मैं करूंगी तो एकदम से उड़ेगा। बस परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा वो मैदा बचा हुआ है, ज़रा सा 2 से 3 tablespoon मेरे ख्याल से मुझे लग जाएगा। देख लेती हूँ मैं, पता है अगर मक्खन भी ज़्यादा हो ना वो भी मसला होता है। वो क्या मसला देता है, हमारे कुकीज़ फैल जाते हैं। अच्छा अब ये कुकीज़ बेक हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसको हम बेक करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए। फिर ये मेरे पास यहाँ चॉकलेट पड़ी हुई है, इस चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। जब कुकीज़ बेक हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो उस एक साइड एक कॉर्नर कुकी का मैं चॉकलेट में डिप करूँगी।
प्लीज़ आप लोग, मैं कम बना रही हूँ, आप लोग है ना, इस कुकीज़ इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के होते हैं कि आप इसको है ना डबल क्वांटिटी बनाना। 16 ounces बटर लेना, 3 कप मैदा लेना, आधा कप कॉर्नफ्लावर लेना, आधा कप कैस्टर शुगर लेना, इस तरह से करना। बहुत इसमें बहुत थोड़े से बनते हैं। इसके बाद हम चिकन पे आएंगे, ग्रिल चिकन करेंगे, फिर उसकी टोमेटो राइस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी ये हार्ड है। जिस तरह हम एक्लेयर्स पाइप करते हैं ना, थोड़ा दूर रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सही से मेल्ट वापस करने रख रही हूँ इसको माइक्रोवेव, ठीक है, इसको मैं वापस डाल रही हूँ ताकि ये 30 सेकेंड्स के लिए सही से मेल्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारी चॉकलेट जो मेल्ट हुई थी, इसको मैंने एक एक को उठा के और इसमें डिप करके और इधर रख दिया, ठीक है। ये हमने कुकीज़ को इस तरह मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर दिया है, और बेस्ट चॉकलेट जो है ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो आपको मिल्की फूड्स की है, जो ऐसी बेहतरीन मेल्ट हो जाती है।